Hi everyone and a very warm welcome to NEET Now, your NCERT destination. बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने ये देख लिया कि आपके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में किस किस टाइप के यू कैन से कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. फिर हमने अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि लंग्स की डिटेल में एनाटॉमी देखी. फिर उसके बाद हमने उनकी फंक्शनिंग समझी थोड़ी हद तक कि एक्चुअली होता क्या है. एक्सचेंज पार्ट कंडक्टिंग पार्ट छूट गया है, लिंक ले लीजिए. ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट, रिवाइज, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई छूटे ना. ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि जो आपकी ब्रीदिंग है वो एक्चुअली होती कैसे है. सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम वो फ्लो चार्ट दोबारा बना लेते हैं जहां से हमने रास्ता देखा है. ठीक है, तो रास्ते की अगर मैं बात करूं तो आपकी सबसे पहले आ जाएगी नोस्ट्रल्स. ठीक है, जो आपकी नोज पे है, राइट, नोस्ट्रल्स, नोस्ट्रल्स. ठीक है, उसके बाद आप पहुंचेंगे नेजल चेम्बर में. लेकिन एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, इट इज योर नेजल पैसेज, इसके थ्रू है ना, नेजल पैसेज के थ्रू आप पहुंचोगे. नेजल चेम्बर से होते हुए आप कहाँ आए, फैरिंग्स. फैरिंग्स से आप कहाँ आए, लैरिंग्स. ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको, एपिग्लॉटिस, जो कि आपका कार्टिलेजिनस फ्लैप है जिसकी वजह से आपका जो फूड है दैट डज नॉट एंटर योर ट्रैकिया. ठीक है, ताकि वो एक कवर की तरह जो है वो अपना फ्लैप चला लेते हैं तो हमारा फूड जो है वो आपके ट्रैकिया में नहीं जाएगा और चोकिंग नहीं होगी. लैरिंग से आप पहुंचेंगे ट्रैकिया. ठीक है, ट्रैकिया अगेन आपकी ट्यूब स्ट्रक्चर, हॉलो स्ट्रक्चर. अब ट्रैकिया से कहां आपके जो दो वो सब डिविजन्स थे, ठीक है, ब्रोंकाई, ये फर्दर डिवाइड होते रहेंगे आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फर्दर ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में. ठीक है, फिर लास्ट जो आएगा वो आएगा आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल. एंड सबसे एंड में आएंगे आपके एल्वियोलाई. ठीक है, तो ये है हमारा रास्ता यानी कि हमारा फ्लो चार्ट जिससे हमें पता चलेगा कि आपकी एयर कहां से कहां तक जाती है. ठीक है, अब अगर मैं दो चीजें याद रखनी है, ठीक है, एक चीज है आपकी इंस्पिरेशन जिसको हम इनहेलेशन भी कहेंगे. ठीक है, और एक है आपकी एक्सपायरेशन जिसको हम एक्सहेलेशन भी कहेंगे. इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. अब जब हम बात कर रहे हैं इनहेलेशन की तो यहां से रास्ता इस तरीके से चलेगा. ठीक है, O2 वाली एयर जो है, एटमोस्फेरिक एयर है जो, वो इस तरीके से चलती जाएगी. ठीक है, अल्टीमेटली एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगी. ठीक है, ये हो गई मेरी इंस्पिरेशन. ठीक है, लेकिन जो मेरा उल्टा रास्ता है वो है एक्सपिरेशन का, जो कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से और जो आपकी CO2 कंटेनिंग है, ठीक है, वो आएगी और वो उल्टा चलेगी इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से एंड अल्टीमेटली नॉस्ट्रल से बाहर. तो ये दोनों तरफ से वर्क कर रहा है, कहीं पे डिफ्यूजन होगा, कहीं पे ट्रांसपोर्ट होगा. मेथड्स यही है, रास्ता यही है और कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपकी चेंज होगी. ठीक है, मूवमेंट ऑफ एयर जो हो रही है वो आपकी कंप्लीटली लंग्स की वजह से होगी. जो आपका एल्वियोलाई है जैसे ही वो कोई चीज एक्सचेंज कर लेगा वैसे होगी. ये तो हमें पता चल गया कि इसके थ्रू होगी, ऐसा है. बट एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर ग्रेडियंट, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट प्रेशर ग्रेडियंट, अच्छा इससे पहले ग्रेडियंट का मतलब समझ लेते हैं. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कई बार आता है, प्रेशर ग्रेडियंट आ गया, कभी कुछ और आ जाएगा. तो ये ग्रेडियंट क्या है, हमने बैकग्राउंड या फोटोग्राफ देखी जहां लाइट टू डार्क कलर ऐसे एक यू कैन से कि मतलब कन्वर्जन होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये चलता जा रहा है, ठीक है, तो इसके आगे चलते 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 यहाँ डार्क हो जाए. ठीक
ठीक है, लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट, तो वो होता है आपका ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट का मीनिंग क्या हो गया? प्रेशर ग्रेडियंट का मीनिंग ये है कि कहीं आपका प्रेशर कम है, कहीं आपका प्रेशर ज्यादा है। तो ये जो मैकेनिज्म चल रहा है ना कि ऑक्सीजन अंदर आ रही है ज्यादा वाली एयर के साथ और आपकी CO2 बाहर जा रही है, ये आपका हो रहा है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ हो सकता है? एक पहली जगह, सी हमको दो जगह चाहिए ना, एक कम हो एक ज्यादा हो, तो एक होगा आपका लंग्स में और एक होगा आपका एटमॉस्फेयर में। ठीक है, प्रेशर लंग्स में होगा एक और एक होगा आपके एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब चलो, अब एक चीज और थी जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका थोरैसिक कैविटी है वो कुछ चीजों से बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से, और पीछे आपका स्टर्नम, आगे स्टर्नम में, पीछे डॉर्सल साइड पे आपका वर्टिब्रल कॉलम, मतलब एक चेम्बर टाइप बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डायफ्राम है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपके जो रिब्स हैं उनके बीच में कुछ मसल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रिब्स थे, जो आपको याद होगा, राइट, रिब्स के बीच में कुछ स्पेशल मसल्स होती हैं हर एक रिब के बीच में। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, वो जो स्पेशल सेट ऑफ मसल्स है उनको हम कहेंगे इंटरकॉस्टल मसल्स। ये कहाँ प्रेजेंट है? आपके रिब्स के बीच में। ठीक है, अब क्या होगा? ठीक है, नाउ जस्ट इमेजिन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। अब इसकी नॉर्मल पोजीशनिंग तो ऐसे है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई चीज ऐसे है कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो नीचे की तरफ जाएगी, तो आपकी डायफ्राम जो है, ठीक है, इट विल बिकम फ्लैट। जो चीज ऊपर की तरफ थी अब वो फ्लैट होगी। इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स बाहर की तरफ खुलेंगी, तो ये रिब्स थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, आपकी थोरैसिक कैविटी जो थी उसका एरिया बढ़ गया, उसका एरिया बढ़ गया। अब उसका एरिया बढ़ गया यानी उसका प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया बढ़ गया, फोर्स कम हो जाएगी, तो प्रेशर क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर आपका कम हो जाएगा। अब जैसे यहां पे प्रेशर कम होता है तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म हो जाएगा लंग्स और एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये पैसेज के थ्रू दोनों कनेक्टेड है। तो अब जैसे ही यहाँ पे प्रेशर कम हुआ ग्रेडियंट होने की वजह से एटमॉस्फेरिक एयर अंदर, ठीक है, तो जिसको हम कह रहे हैं इनहेलेशन। तो क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ, प्रेशर ग्रेडियंट, एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेशर है, एयर इनसाइड, दिस इज योर इनहेलेशन। अब ठीक उल्टा होगा, डायफ्राम रिलैक्स करेगी। अब डायफ्राम जैसे ही रिलैक्स करेगी, डायफ्राम आ गई ऊपर, इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगी, रिब्स आ गई अंदर दोनों तरफ से, तो क्या हुआ, कम हो गई जगह जो थी वो कम हो गई, प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ, बाहर का प्रेशर कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, एक्सहेलेशन। ठीक है, थोड़ी सी फिजिक्स आ गई है यहाँ पे, बस इतना याद रखना है कि जहां प्रेशर ज्यादा है वहां से आपकी एयर अंदर आएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम देखें, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा था, एयर अंदर की तरफ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर जैसे ही बढ़ा तो एयर उसके लिए चली गई ना, बाहर चली गई, राइट। तो इस तरीके से आपकी जो ब्रीदिंग है, आपकी थोरैसिक कैविटी जो है उसके थ्रू कंट्रोल होती है। जैसे ही एरिया बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, एयर अंदर आएगी, एरिया कम हुआ, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, एयर बाहर जाएगी। प्रेशर कम, एयर अंदर, प्रेशर ज्यादा, एयर बाहर। ठीक है, सो ये इस तरीके से चलेगा। तो बेसिकली जो सब कुछ मैनेज हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द थोरैसिक कैविटी। इसीलिए जो मैंने अपने पिछले आपके डायग्राम में बताया था आपको, ठीक है, वो इसलिए बताया था कि थोरैसिक कैविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोरैसिक कैविटी की वजह से हम
देख सकते हैं कि जो लंग्स जब जो ये चेस्ट राइज और लो होती है, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस थोरैसिक चेम्बर. इनफैक्ट इसमें बहुत सारी स्पेशल मसल्स होती हैं इन्वॉल्व, इवन एब्डोमेन की भी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पूरी राइजिंग अप है वो हो सके. इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन या फिर आपकी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दो ऐसी चीजें हैं विच आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ही ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होना है, एरिया बढ़ जाएगा, प्रेशर कम, एयर अंदर, रिलैक्सेशन, एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, एयर बाहर. बस इतना याद रख लीजिए, ठीक है. हाँ, टर्म्स आएंगे इंटर पल्मोनरी प्रेशर, यानी लंग्स के अंदर का प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर इंटर पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है. चाहते हैं अगर आप तो मैं लिख देती हूँ आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, और इसका तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हो जाएगा आपका. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से जैसा आपका पल्मोनरी प्रेशर है, आपके लंग्स के अंदर का पल्मोनरी प्रेशर है, वैसे ही आपकी एक्सहेलेशन और इनहेलेशन होगी. अगर आपके एरिया ज्यादा हो गया है, प्रेशर कम हो गया है, मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ, मुझे पता है, बड़े दिमाग में बिठा लीजिए अपने, प्रेशर कम, एयर अंदर, प्रेशर ज्यादा, एयर बाहर, दिस इज इट, ठीक है. कॉन्ट्रैक्शन होगा, एरिया बढ़ेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये इसकी नॉर्मल पोजिशन है, ये रिलैक्स पोजिशन है. जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये आपकी फ्लैट हो जाएगी, फ्लैट हो गई, एरिया बढ़ गया. इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एरिया बढ़ गया. जब ये रिलैक्स होंगे, एरिया कम हो जाएगा, तब प्रेशर बढ़ जाएगा आपका, है ना. तो इसीलिए जब भी हम एक्सहेल करते हैं या जब भी हम इनहेल करते हैं, ये हमारा एवरी टाइम दिस टेक्स प्लेस, ठीक है. पूरा जो आपकी डॉर्सल वेंट्रल कैविटी है आगे पीछे, वो पूरी तरीके से सपोर्ट करती है इसको. जैसे मैंने पहले बताया, एब्डोमेन में भी स्पेशल मसल्स हैं विच आल्सो हेल्प कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हो सके, ठीक है, मैनेज किया जा सके उसको. अगर हम एवरेज ब्रेथ्स की बात करें, ठीक है, तो हमारी 12 से लेके आपके 16 ब्रेथ्स पर मिनट चलती है, एवरेज है ये, ठीक है. एवरेज क्या है आपकी, 12 से 16 ब्रेथ्स पर मिनट. अगर आप इसे ज्यादा ले रहे हैं तो थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करिए, ठीक है, एकदम. सी, व्हेनेवर यू आर ब्रीदिंग, मेक श्योर यू ब्रीद विद ऑल योर स्ट्रेंथ ऑफ द थोरैसिक कैविटी. जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, उतनी ज्यादा नेसेसरी टू से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उतना ज्यादा फ्रेश फील करोगे, ठीक है. एवरेज ब्रेथ इज हमारी 12 टू 16 ब्रेथ्स पर मिनट. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे एक ऐसे, यहाँ पे एक पाइप लगा सकते हो आप, राइट, जोड़ सकते हो, और यहाँ पे ऐसे ये सेक्शंस होते हैं, राइट, और उनमें अलग अलग कलर्स की बॉल्स होती हैं. जैसे एक बॉल होगी आपकी रेड कलर की, ठीक है, एक बॉल होती है आपकी येलो कलर की, और एक बॉल होती है आपकी रेड कलर की, ग्रीन, येलो, रेड, इस तरीके से ब्लू भी हो सकती है, डिपेंडिंग मैन्युफैक्चरर पे. ये अलग अलग बॉल्स होती हैं. तो आप क्या करते हो, आप यहाँ से ब्लो करते हो, आप जितनी एयर, जितनी स्ट्रेंथ के साथ ब्लो करोगे, ये बॉल्स उतना ऊपर ऊपर जाएंगी, ठीक है. कोविड में इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ था, दिस इज नोन एज स्पायरोमीटर. क्या कहते हैं इसको, स्पायरोमीटर. ये आपकी ब्रेथ, फिजिकल जो हम कहेंगे ब्रीदिंग, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज होता है. स्पायरोमीटर हैज ग्रेटर यूज. इसकी कहीं ना कहीं आपकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कैसी है, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको ब्रीद इन करके ये बॉल्स उठाने के लिए कह रहे हैं, और अगर आपसे सिर्फ एक उठ पा रही है या एक भी नहीं उठ पा रही है, देन ही विल कम टू नो दैट समथिंग इज रॉन्ग, एंड उस पर बेस्ड वो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस देगा कि ये टेस्ट करा लीजिए या यू माइट सफर फ्रॉम दीज काइंड ऑफ डिजीजेस, ठीक है. सो इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस भी है, राइट. सो ये है आपका अगेन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट है, प्रेशर ग्रेडियंट पे. मसल्स हैं, डायफ्राम है, एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं जो आपको हेल्प कर रही है. नेजल पैसेज के थ्रू एयर अंदर आ रही है, वहीं एयर बाहर जा रही है. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल.
ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है या कोई स्पेसिफिक पार्ट है, कमेंट डाउन बिलो, आई मेक श्योर एंड ट्राई कि मैं उसको फर्दर अटेंड कर सकूं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बहुत छोटा सा पार्ट है, बस आपको ये प्रेशर वाला पार्ट समझना है, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एयर अंदर, एरिया कम प्रेशर ज्यादा एयर बाहर, दैट इज इट। ठीक है, सो आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो ऑफ द सेम चैप्टर, दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन रीड, सॉल्व क्वेश्चंस, रिवाइज एंड सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड्स को भी। ठीक है, आई विल सी यू सून, टेक केयर, थैंक यू।